नमस्कार। सीबीएसई बोर्ड के क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ वो बातें बताना चाह रहा हूँ जो ना सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स को बल्कि पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है, ताकि वो इस तरह की कोई भी मिस्टेक किसी से ना हो जिसकी वजह से एग्ज़ाम में कहीं पे जरा सी प्रॉब्लम आए। तो सबसे पहले तो ये कि एडमिट कार्ड लेने के बाद आपको सबसे पहला काम जो करना है वो ये कि उसकी सारी डिटेल्स चेक करनी है कि बच्चे का नाम, पापा का नाम, माँ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब्जेक्ट्स वगैरह सब कुछ ठीक हैं कि नहीं। मोस्ट प्रोबेबली वो सब ठीक ही होंगे, लेकिन इफ़ एट ऑल अगर कहीं प्रॉब्लम है, कहीं पर मिस्टेक दिखती है, तो इमीडिएटली आप उसको राइटिंग में अपने स्कूल को इन्फॉर्म करें। उसके बाद चेक करने के बाद जो आपने देख लिया कि सब कुछ ठीक है, तो उसमें सेकेंड नंबर पर बच्चे के सिग्नेचर और मम्मी पापा या अभिभावक जो कि रजिस्टर्ड है उनके सिग्नेचर उनकी जगह पर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद उसको प्रॉपरली लेमिनेट करा लें, वो बेटर साइट रहेगा, अच्छा रहेगा, ताकि वो सेफ रहे। तो ये तो रही एडमिट कार्ड से संबंधित बात। इसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में जाने के लिए उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, उनको जरा ध्यान से पढ़ लें, जो फॉलो भी करने हैं। जैसे एग्जामिनेशन का टाइम 10 बजे का दिया हुआ है एंट्री का टाइम, तो सेफर साइड है कि आप 9:30 to 9:45 वहाँ हर हालत में पहुँच जाएं, क्योंकि 10 बजे के बाद एंट्री भी प्रोहिबिटेड होती है, एंट्री भी अलाउड नहीं होती है। और अगर किसी तरह हो भी जाए थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने पर, तो प्रॉब्लम यह है कि 10:15 पे क्वेश्चन पेपर मिल जाना है बच्चे को। तो 10 to 10:15 ये 15 मिनट के समय में मेन गेट से एंट्री लेकर और एग्जामिनेशन हॉल में बैठने तक का समय है ये। तो उसमें थोड़ा पेशेंटली बैठ जाएं, ताकि किसी भी तरह की भागदौड़ ना हो, घबराहट ना हो, परेशानी ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले ही अगर घबराहट और परेशानी और इन सब चीज़ों में पड़ गए तो आपके एग्जामिनेशन डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेकर चलें और 10 बजे से 9:45 बजे तक आप वहाँ पर पहुँच जाएँ और 10 बजे प्रॉपरली एंट्री कर लें, ताकि 10:15 बजे 10:15 पे बच्चा वहाँ पर बैठ जाए और अपना रिलैक्स होकर क्वेश्चन पेपर ले ले। 10:15 यू विल गेट द क्वेश्चन पेपर, सो दैट यू गेट 15 मिनट्स रीडिंग टाइम टू रीड द क्वेश्चन पेपर, टू गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर, टू प्लान इट अप। उसको प्लान अप करने के लिए 10:15 to 10:30 का टाइम है। तो जो 10:30 आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होना लिखा हुआ है, बेसिकली इट विल स्टार्ट एट 10:15, एंड फॉर अवेलिंग द टाइम फ्रॉम 10:15 to 10:30 यू नीड रिलैक्सेशन, बिकॉज ऑफ विच यू हैव टू रीच द स्कूल बिफोर 10 o'clock। इट मीन्स इफ यू प्लान, आप 9:30 to 9:45 का प्लान लेके चले कि इतने देर में आपको इस दौरान आपको वहाँ पर पहुँच जाना। एग्जामिनेशन के दौरान चीटिंग तो किसी भी तरह से अलाउड नहीं है, लेकिन इसमें एक पॉइंट जो बहुत ज़्यादा सामने आता है और उसके लिए कोई भी माफ़ी नहीं है, उसको सीबीएसई ने एडमिट कार्ड पर फिर क्लियरली लिख के दिया है कि मोबाइल, चैट जीपीटी या इस तरह का कोई भी गैजेट जिसमें आप इस तरह की सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, वो बिल्कुल भी लेकर ना जाएं। ये कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है, इसके पकड़े जाने पर आपका पूरा एग्ज़ाम डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसमें मेरी बहुत स्ट्रिक्ट एडवाइस है पेरेंट्स के लिए भी, वो भी इस बात पर ध्यान दें कि उनका बच्चा कहीं मोबाइल तो लेके नहीं जा रहा है, क्योंकि सीबीएसई कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनता कि गलती से आ गया था, या मैं भैया के पास जा रहा था, मैं आज मेरे चाचा ने दे दिया, या पापा ने कहा कल तो मैं जेब में रख के चला आया। नन ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्सक्यूज विल बी एंटरटेन्ड एट ऑल। सेफर साइड ये है कि मोबाइल क्या, आपका केवल जो आंसर्स लिखने में जो स्टेशनरी काम आनी है, आपके ब्लू या ब्लैक बॉल पेन, आपका स्टेशनरी, पेंसिल, स्केल एट्सेट्रा, वो भी प्लास्टिक पाउच में रखकर बस उनको ले जाएं, इसके अलावा और कुछ भी ना ले जाएं। और अपने स्कूल की यूनिफॉर्म में ही जाना है, केवल प्राइवेट स्टूडेंट्स ही अलाउड हैं बिना यूनिफॉर्म के आने के लिए, बाकी जो भी जिस स्कूल का स्टूडेंट है वो अपने स्कूल की रेगुलर यूनिफॉर्म में ही स्कूल जाएगा, हाउस यूनिफॉर्म में नहीं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जो कि एडमिट कार्ड में भी मेंशन्ड हैं, और नॉर्मली इनकी तरफ बच्चे और पेरेंट्स भी कभी कभी ध्यान नहीं उनका जाता है, इसलिए ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है ताकि सबका ध्यान इसकी तरफ जाए और सब इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद।